ही पूछते जाओ। बारे में क्या बोल रहा हूँ, जिसके रिएक्शन पूछे नहीं जाते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाले, फिर भी आप लोग याद रखिएगा थोड़ा बहुत एक बेसिक चीज कि हम लोग बनाते हैं किससे बेटा, इसको हम लोग क्रोमेट ओर से बनाते हैं, फ्यूजन ऑफ क्रोमेट ओर है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट को। हमारे एक नहीं, हम लोगों को पहले क्या मिलता है, हम लोगों को पहले मिलता है सोडियम क्रोमेट। हमारे एक नहीं, सोडियम क्रोमेट से हम लोग क्या बनाते हैं बेटा, हम लोग बनाते हैं सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, सोडियम जैसे डाइक्रोमेट हम लोगों को मिलता है, उसको हम लोग फिर KCl वगैरह से ट्रीट करा के हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कहानी है कैसे कैसे बनेगा, समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को क्या बोल रहा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले हम लोग क्रोमेट ओर से बनाते हैं, सिंपल से आप क्रोमेट ओर का हम लोग क्या करेंगे Na2CO3 से रिएक्शन करवाते हैं, हम लोगों को मिलता है Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट मिलता है, जिसको हम लोग बेटा वापस क्या करेंगे एसिडिक मीडियम में डिप करवाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह किसी भी या कोई भी और एसिडिक मीडियम ले सकते हैं, वो हम लोग को देता है क्या पोटेशियम सोडियम डाइक्रोमेट, जिसको हम लोग फर्दर KCl वगैरह से डील करा के क्या बना लेते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। दूसरा पॉइंट ये कि जो क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन होते हैं दे आर इंटर कन्वर्टेबल, इनको हम लोग आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम लोगों के पढ़ने के लिए। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्या होते हैं आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं एसिडिक मीडियम में, जो बेटा क्या होगा क्रोमेट होता है वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट के जो डाइक्रोमेट होता है वो बेसिक मीडियम में क्या देता है बेटा, क्रोमेट आयन देता है, तो ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझ के रखिएगा। दूसरा ये बात कि इन दोनों का कलर अलग अलग है, यस सर नो सर, ना एक ऑरेंज कलर का होता है एक येलो कलर का होता है, तो एक्चुअल में एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम रखने से हम लोगों को कलर में भी चेंज अपीयर होता है, यस सर नो सर। हम लोगों ने क्या किया, क्रोमेट को रखा एसिडिक मीडियम में, वो क्या कर गया कलर चेंज करते कैसा हो गया, वो ऑरेंज कलर का हो गया। आपसे ये क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि क्रोमेट आयन का एसिडिक मीडियम में ऑरेंज कलर क्यों हो जाता है, उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है, या फिर डाइक्रोमेट आयन का हम लोग क्या करें बेटा, उसको हम लोग बेसिक मीडियम में रखें तो उसका कलर में चेंज क्यों आता है, वो येलो कलर का क्यों हो जाता है ना, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इट इज क्लियर कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, क्या कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, दूसरा आप ये भी याद रखिए कि हाँ, अगर एसिडिक बेसिक मीडियम में हो रहा है तो ये पीएच डिपेंडेंट है ना, पीएच डिपेंडेंट है, पीएच अगर लेस देन 7 है तो क्या होगा, पीएच ग्रेटर देन 7 है तो क्या होगा। ठीक है, बाकी बात ये कि दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन इन बोथ इट इज सेम, दोनों में कैसा रहता है सेम रहता है, ये हम लोगों के पास कैसा होता है बेटा ऑरेंज कलर का रहता है, और ये कैसा होता है हम लोगों के पास येलो कलर का रहता है, दोनों का ही ज्योमेट्री क्या है बेटा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अगर हम लोग क्रोमियम सेंटर को कंसिडर करते हैं तो। ठीक है सर, बारे में क्या बोल रहा हूँ, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, चार है ना, समझा रहे कि नहीं, ये सब क्लियर है। दूसरा हम लोगों के पास में होता है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ठीक है, इनके रिएक्शंस में एक साथ डिस्कस करूंगा, मैं सिर्फ मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखा हुआ हूँ, इनके प्रॉपर्टीज लिखा हुआ हूँ जो बेसिक है, ये इनके रिएक्शंस क्या क्या है, ये कब, एक्चुअल में दोनों ही क्या है, बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है ना, कौन से वाले को हम लोग कब यूज करते हैं, इसको तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करना आसानी से, आप सबको पता है कि कौन सा वाला कहाँ कैसे यूज होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो पढ़े हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट से किसका ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं हम लोग, पर मैग्नेट से हम लोग किसको करा सकते हैं, कौन सी वाली चीज किसमें कन्वर्ट किया सकती है, वो सब लोग वहाँ पढ़े हैं। ठीक है, देखो हम लोग बनाते कैसे हैं, वो सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द फ्यूजन ऑफ MnO2 विद अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक NO3 है ना, दिस प्रोड्यूसेस डार्क K2MnO4, जिसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, विच डिस्प्रोपोर्शनेट इन अ न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम टू गिव पोटेशियम परमैंगनेट। तो सिंपल रिएक्शन से हम लोग पहले MnO2 को KOH से करवाते हैं रिएक्शन, हम लोगों को K2MnO4 बनता है, K2MnO4 जो होगा वो डिस्प्रोपोर्शनेट करके हम लोगों को क्या देता है MnO4 माइनस और MnO2। ठीक है ना, अब डिस्प्रोपोर्शनेट करने का मतलब क्या है तुम लोग जानते हो, जानते हो कि नहीं, डिस्प्रोपोर्शनेट करने का मतलब क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या चीज़ आप लोग समझते हो। ठीक है ना, बाकी कमर्शियली हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2 फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ Mn मैग्नेट। ठीक है बेटा, तो ये कॉमन सी रिएक्शन है कि हम लोग पहले क्या करते हैं MnO2 को फ्यूज करा के MnO4-2 में कन्वर्ट कर लेते हैं, और MnO4-2 जो होता है वो क्या करेगा, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो MnO4-2 हो जाते हैं।
आपको ये भी समझ में आ गया होगा इस रिएक्शन के बेस पे कि ये प्रोसेस जो होगा वो कैथोड पे हो रहा होगा या एनोड पे हो रहा होगा, ये शायद बता सकते हैं आप लोग ना। तो आप बताएंगे ऑक्सीडेशन नंबर में ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है इसका, बताइए सर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहाँ पे होता है? एनोड पे ना, एनोड। बाकी इसका एक लेबोरेटरी मेथड दे रखा है, ठीक है ना, लेबोरेटरी हम लोग कैसे बनाते हैं या पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इन दोनों का कलर कैसा होता है, दोनों का शेप क्या होता है, ठीक है बेटा। तो अब ये समझेंगे कि दोनों जो होते हैं वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होते हैं। एक ऐसा होता है बेटा हम लोगों के पास में एक पर्पल है जिसको हम लोग ऑलमोस्ट ब्लैक भी बोल देते हैं, ठीक है ना। इट इज जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है दैट इज कैसा होता है, डार्क पर्पल और ऑलमोस्ट ब्लैक, ठीक है ना। दिस इज आइसोस्ट्रक्चर विद KClO4, ये भी NCERT के पॉइंट्स है। इट इज नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर, कितना होता है 6.4 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है ना। जैसे हम लोग इसको हीट करते हैं इट डिकम्पोजेस टू K2MnO4। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हीट करके KMnO4 को किसमें बेटा, KMnO4 माइनस को पर मैग्नेट को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा ये बताओ पर मैग्नेट और मैग्नेट आयन में कौन सा वाला डाया मैग्नेटिक होता है, कौन सा वाला पैरा मैग्नेटिक होता है? मैग्नेट पैरा मैग्नेटिक होता है। हाँ, तो ये भी याद रखिएगा जो पर मैग्नेट होता है दैट इज डाया मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक नहीं होता है ना। तो मैग्नेटिक मैग्नेट जो होता है दैट इज पैरा मैग्नेटिक एंड टेट्राहेड्रल ग्रीन पर मैग्नेट कैसा होता था, दिस इज डायमैग्नेटिक, ठीक है। वही पॉइंट है कि जो मैग्नेट होता है इट हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है, पैरा मैग्नेटिक विद वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, बट पर मैग्नेट इज डायमैग्नेटिक। ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं। अभी देखो इनके कुछ रिएक्शंस मैं लिस्ट लिख रहा हूं। अगर हम लोगों के पास में K2Cr2O7 है, ठीक है बेटा, हम लोगों के पास K2Cr2O7, ठीक है। अब K2Cr2O7 जो होता है बेटा ये जो होगा इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम ओनली, कौन से वाले मीडियम में बेटा, इसका रिएक्शन सिर्फ एसिडिक मीडियम में होता है K2Cr2O7 का, और K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में Cr+3 में जाता है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है और इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, Cr+3 में जाएगा, बाकी आपको कौन कितना मोल पूछेगा वो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग बातें करें बेटा KMnO4 की, हमारे पास में क्या है बेटा KMnO4 है, ठीक है ना। KMnO4 जो होता है बेटा वो जाता है Mn+2 में, कब, इन एसिडिक मीडियम। सबको बताइए मैम एसिडिक मीडियम में क्या करता है, Mn+2 में जाता है, ठीक है। ये जाता है Mn+4 में भी जाता है और Mn+6 में भी जाता है, Mn+6 में जाता है बेटा बेसिक में और यहाँ जाता है न्यूट्रल, ठीक है ना। अगर कुछ आपको नहीं दिया है तो आप ये चीजें कंसीडर करोगे जो मैंने लिखा हुआ है, अगर कुछ नहीं दिया है तो। अब वो बोले कि कोई रिएक्शन हो रहा है एसिडिक मीडियम में, उसमें KMnO4 हो रहा है, वो Mn+4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप उस क्वेश्चन के हिसाब से जाना जो चीजें गिवन है उसके हिसाब से ना। अगर कुछ गिवन नहीं है तो अपना दिमाग लगाना, अगर कुछ गिवन है तो अपना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, जो भी गिवन होगा उसके हिसाब से लग जाएंगे, ठीक है। चलो बाकी कुछ चीजें ये है कि इन एसिडिक मीडियम ये क्या करते हैं बेटा, Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देते हैं, H2S को S में कन्वर्ट कर देते हैं, I- को I2 में कन्वर्ट कर देते हैं, I- को I2 में, ठीक है ना। तुम्हारे में क्या बोल रहा हूँ, C2O4 2- को CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं, C2O4 2- को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, CO2 में, NO2- को NO3- में, Sn+2 को Sn+4 में, ठीक है सर। SO3 2- को SO4 2- में, ठीक है सर। ये कॉमन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। Fe+2 से Fe+3 में जाएगा, Sn+2 से +4, H2S से S, C2O4 2- से CO2, ये कुछ कॉमन रिएक्शन हैं जो एसिडिक मीडियम में देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप लोग बातें करो इन बेसिक और
बेसिक मीडियम और समवेयर इट इज इट विल राइट कि न्यूट्रल मीडियम में हम लोग क्या करते हैं हमारे के नियम। तो बाय डिफॉल्ट आप लोग क्या लिखेंगे प्लस सिक्स लिखेंगे फनार है कि नहीं आ रहा। मैं कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूँ जिनमें Mn जो KnO4 होता है वो Mn प्लस 4 में कन्वर्ट होता है। और जैसे NCERT के हिसाब से आप लोग जाओगे तो सिर्फ इन्होंने NCERT में जो रिएक्शन गिवन है तीन चार रिएक्शन गिवन है वो सिर्फ और सिर्फ उसके हैं जिसमें KnO4 किसमें कन्वर्ट होता है Mn प्लस 4 में कन्वर्ट होता है। और वहाँ पे लिखा हुआ है इन बेसिक और न्यूट्रल मीडियम, तो स्पेसिफिकली लिखा नहीं है कि वो बेसिक है कि न्यूट्रल मीडियम, क्योंकि बेसिक मीडियम का और न्यूट्रल मीडियम का बैलेंसिंग हम एक ही तरीके से करते हैं सर नो है ना। एसिडिक मीडियम का अलग तरीके से करते हैं और बेसिक न्यूट्रल का करते हैं हम लोग वही वाइज माइनस एड करके ही करते हैं ना, इस वजह से उन्होंने वो रिएक्शन गिवन है ठीक है। तो बेसिक मीडियम में क्या होगा बेटा जो KnO4 होता है वो Mn प्लस 2 को कन्वर्ट करता है MnO2 में MnO2 ठीक है ना। I माइनस को कन्वर्ट करता है IO3 माइनस I माइनस यहाँ होता है बेटा ये थोड़ा सा डिफरेंस है I माइनस यहाँ पे कन्वर्ट होता है बेटा किसमें I2 और यहाँ पे I माइनस कन्वर्ट होता है IO3 माइनस। बेसिक मीडियम में रिएक्शन तो सिर्फ KnO4 ही दे रहा होगा ना K2Cr2O7 तो दे नहीं रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ कौन दे रहा होगा KnO4 ही दे रहा होगा रिएक्शन यस और नो सर। आई माइनस से होते हैं IO3 माइनस में, इसके अलावा कोई और रिएक्शन है क्या आई माइनस से IO3 माइनस और कोई रिएक्शन हो तो बेटा एक बार देख लीजिए तुम लोग, इसके अलावा कोई और रिएक्शन है जिसके बारे में कोई डिस्कशन हुआ है एक सेकंड ना एक सेकंड रुक लीजिए मैं देखता हूँ। बेटा एक रिएक्शन हो रहा है H2O32- से SO4-2 में, क्या है H2O32- से SO4-2 में ठीक है। क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है तुम लोगों को ठीक है। तो ये रिएक्शन है जिसमें एक दिया है H2O32- से किसमें कन्वर्ट होगा बेटा SO4 SO4-2- में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है सर। समझ गए सारी कहानी आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। एस टू ओ जो टू माइनस से एस ओ फोर टू माइनस में, आई माइनस से आईओ थ्री माइनस में और एम एन प्लस टू से एम एन फोर ठीक है। एम एन प्लस फोर लिख सकते हो तुम्हारी मर्जी है, एम एन प्लस टू में लिख लीजिए ठीक है सर। बाकी एसिडिक मीडियम के रिएक्शन में तो मैं करा चुका हूँ, एफ ई प्लस थ्री से आई माइनस से किसमें कन्वर्ट होगा ना हमारे में क्या बोल रहा हूँ। अब तुमसे बोले कोई भी रिएक्शन मान के चलो, अब मुझे बताओ कि पहले टाइप का क्वेश्चन तो ये पूछता है कि मान के चलो तुम्हारे पास में Cr2O7 2- ठीक है ना, तुम लोगों ने उसका रिएक्शन किससे करवाया बताओ किससे करवाया, तुम लोगों ने कराया Fe2O4 से ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि इसका तुम्हारे पास में कितना मोल है पांच मोल, तो इसका कितना मोल रिक्वायर्ड होगा, कितने मोल को ये क्या करेगा इसमें कन्वर्ट कर देगा। ये वाले क्वेश्चन कर लेते हो कि नहीं कर लेते ये बताओ, नहीं होते ये वाले क्वेश्चन नहीं होते ना ठीक है बेटा एक सेकंड वेट करो। चलो ये वाले क्वेश्चन तुम लोगों से नहीं होते हैं, वो हम लोग अभी C2O4 2- माइनस प्लस Fe2O4 बेटा ये है इसको आपको कन्वर्ट करना होगा ना, ये रिएक्शन हो रहा है ठीक है। देखो आपको एक बात पता है कि आप लोगों ने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का थोड़ा बहुत आइडिया है कि नहीं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़े हो कि नहीं पढ़े। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी रिएक्शन में ए बी गिविंग यू सी प्लस डी ऐसा कोई रिएक्शन चल रहा है, इसका ए मोल है जो भी एक्स वाई जेड व्हाटएवर द मोल से, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा क्या होता है बेटा इक्विवेलेंट ऑफ ए किसके इक्वल होते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल्स टू
इक्विवेलेंट ऑफ सी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ डी होता है। ये क्या था, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के किसी भी रिएक्शन में हमेशा इक्वल इक्विवेलेंट्स होते हैं, दे दिया टू फॉर्म इक्वल इक्विवेलेंट, ठीक है ना। इक्वल इक्विवेलेंट का रिएक्शन होता है और इक्वल इक्विवेलेंट ऑफ द प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है ऑलवेज, चाहे कोई भी रिएक्शन हो। तो अंदाजे में क्या बोल रहा हूँ, इक्वल इक्विवेलेंट्स रिएक्ट्स टू फॉर्म इक्वल इक्विवेलेंट ऑफ द प्रोडक्ट। एक इक्विवेलेंट रिएक्शन करेगा तो एक ही से करेगा और एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। समझ आया मैंने क्या बोला, कोई दिक्कत ये बात किसी को समझने में आया क्या? अब सुनो, अब इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट निकालने का एक तरीका तो ये होता है, इक्विवेलेंट इज मोल्स इनटू एन फैक्टर, ठीक है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इक्विवेलेंट इज नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, इक्विवेलेंट इज मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, तो मोल्स होता है इनटू एन फैक्टर। ये तीन तरीके से आपको इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना पड़ सकता है, ओनली दीज थ्री। इसके अलावा आपको चौथा तरीका कभी नहीं रिक्वायर्ड होगा, आपको मास दिया है तो मोल में आप लोग कन्वर्ट कर ही सकते हैं, है ना। ये तरीका होगा, ठीक है सर। अब देखो, अब तुम्हें इक्विवेलेंट निकालने में मुझे लग रहा है सर एक ही दिक्कत होगी, वो क्या है? अगर दिक्कत होगी तो वो क्या है? एन फैक्टर। एन फैक्टर से तुम्हें निकालना आता है कि नहीं आता, ये बताओ। अब एन फैक्टर निकालना तुम्हें आना चाहिए। एन फैक्टर क्या होता है, चेंज कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, वही होता है एन फैक्टर। तो सबसे पहले क्या होगा, तुम्हें इक्वेशन लिखना पड़ेगा, Cr2O7 2- इज गिविंग समथिंग। तो तुम्हें पता ही है Cr प्लस 3 में जाएगा, यस और नो? यहां मुझे बताओ कौन कौन है, Fe प्लस 2 है, C2O4 माइनस 2 है। अब कुछ फर्क पड़ेगा क्या, ये बताओ कुछ फर्क पड़ेगा क्या? Fe प्लस 2 को ये ऑक्सीडाइज करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। करता है ना बेटा, Fe प्लस 2 को Fe प्लस 3 में कन्वर्ट कर देता है, देखो। यस सर। अच्छा ये कहानी बताओ पहले, ये बात सभी को समझ में आई? चलो एक और रिएक्शन में लिख लेता हूँ, फिर थोड़ा सा हम बात करेंगे कौन क्या कैसे करेगा। मैं तुमसे बोला कि हमारे पास में क्या है बेटा, वही Cr2O7 2- प्लस Cr2O7 2- प्लस तुम्हारे पास में बेटा क्या, प्लस तुम्हारे पास में Fe2C2O4 का होल थ्राइस। तुमसे पूछे किसमें कन्वर्ट होगा, तुम बोलोगे Cr जो होता है वो प्लस 3 में कन्वर्ट होता है। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा, प्लस 3, C2O4 क्या 2-, यस सर नो सर? यस सर। तो क्या Fe कहीं पे कुछ कन्वर्ट होगा इस बार? नहीं नहीं सर, Fe में कोई चेंज नहीं आएगा ना इस बार, क्योंकि Fe प्लस 3 को तो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो सबसे पहला काम तो है आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए, Fe में कोई चेंज नहीं आया तो मुझे लिखने का जरूरत नहीं है, C2O4 2- ही CO2 में कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहला काम होता है आपका इक्वेशन लिख लेना। आपको इक्वेशन अगर तुम लोगों ने लिख लिया तो फिर क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो इक्वेशन लिख लिया, इक्वेशन लिखने के बाद में क्या करना होता है, सबका निकालो क्या, सबका निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, ये प्लस 7 है, प्लस 7 के प्लस 6, प्लस 6, ठीक है, यस सर नो सर? प्लस 6 से किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा, इधर सुनिए बेटा, बताओ प्लस 6 से किसमें कन्वर्ट हो रहा है सर? आप इसको बैलेंस नहीं करेंगे, जो Cr दे रखा है इधर 2Cr है उधर, बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ जितना बोल रहा हूँ उतना करते जाओ। प्लस 6 से किसमें जा रहा है बेटा, प्लस 3 में, कितने का चेंज? 3 का। देखो कितना, एक क्रोमियम के लिए 3 का चेंज आएगा ना, कितना क्रोमियम है, 2, कितने का चेंज, इसका एन फैक्टर आगे 6, एक क्रोमियम 3 का चेंज, 2 क्रोमियम 6 का चेंज, एन फैक्टर निकाल लिया कि नहीं निकाले? अरे चेंज तो निकाल सकते हो, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना डोनेट करेगा, कितना गेन करेगा, वो कहानी निकालना है, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं समझे? चलो अब तो Fe के लिए क्या हो रहा है, Fe जा रहा है प्लस 2 से प्लस 3 में, एक का लॉस किया, यस सर नो सर? C2O4 माइनस 2 से जा रहा है CO2 में, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 3, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 4,
एक कार्बन कितने का लॉस करेगा बेटा, एक लॉस। यस सर। कितना कार्बन है, कितना कार्बन है, सिर्फ 2 4 2 माइनस में दो कार्बन, कितने का लॉस होगा, दो का लॉस। टोटल लॉस कितना है, दो का लॉस, यहाँ पे एक का लॉस, यहाँ पे तीन का लॉस, इसका एन फैक्टर हो गया 3। आपको एन फैक्टर निकालना है सिर्फ, गेन या लॉस निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। क्या समझ में आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। कितने का गेन कितने का लॉस तुम लोगों ने निकाल लिया बस, तो क्या होगा बेटा, 5 × n^6 will be equals to n into कितना बेटा, इसका n फैक्टर 3, तो n कितना आ जाएगा बेटा, 5 × 6/3 दैट इज 10। बट दोनों का इक्विवेलेंट इक्वल कर दिया ना, मोल्स इनटू n फैक्टर, मोल्स इनटू n फैक्टर, दोनों का इक्विवेलेंट इक्वल रख दिया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। ऐसे ही क्वेश्चन किए जाते हैं हमेशा, 100% क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं, सिंगल क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाते, आपको n फैक्टर निकालना आना चाहिए। समझ गए सर? देखो सुनो, इधर सीआर प्लस सिक्स से प्लस थ्री में जा रहा है, तो यहाँ तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका एन फैक्टर जो होगा वो कितना होगा बेटा, 6 है ना। एफ ई चेंज नहीं कर रहा, C2O4 2- से CO2 में जा रहा है, एक कार्बन के लिए प्लस थ्री से किस में जा रहा है बेटा, ऐसे लिखा करो, प्लस थ्री से किस में जा रहा है, प्लस फोर, दो का चेंज। एक कार्बन के लिए कितने का चेंज, एक। यहाँ पे कार्बन कितना है बेटा, यहाँ पे कार्बन कितना है, 6 कार्बन, कितने का चेंज आ गया, 6 का चेंज। इसका भी n फैक्टर 6 है, इसका अगर 10 मोल है तो बेटा 10 × n^, इसका n × 6, तो बेटा कितना आ जाएगा, समझ गए सर? यस। ऐसे पूछ सकता है इसका मोलरिटी कितना बेटा, ये कितना है हमारे पास में, 0.1 मोलर, 10 ml, इसका कितना हम लोगों को यूज करना पड़ा है, 20 ml, तो इसका मोलरिटी क्या रहा होगा ये बताओ, तो क्या होगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर विल बी इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, इक्विवेलेंट इक्वल्स टू इक्विवेलेंट, टाइम इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 10 × 0.1/20, 0.5। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, 0.5 to 0.05, 0.05 बड़ा कर दिया ना, समझ में आ रहा है सर मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम जो बोलो वो रिएक्शन में लिख के दिखा दूंगा, जल्दी से बताओ कोई रिएक्शन जो तुम्हें लिख के बताना है उसको मैं सॉल्व करके तुम्हें दिखाता हूँ, जो भी तुम्हारे मन में वो बताओ, कोई रिएक्शन नहीं मन में, जो भी रिएक्शन तुम्हें डाउट हो बेटा, चलो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेना, जो भी रिएक्शन में कहीं पे कोई डाउट आए तो मुझे बता देना, ये थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी एफ ब्लॉक के बारे में, ठीक है, इनके बारे में कुछ ज्यादा कुछ डिस्कशन है नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं बस। सबसे पहला मैं एक्टिनर्ड्स के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि दोनों का प्रॉपर्टी लगभग लगभग सेम होता है, और एक्टिनर्ड्स से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जो यहीं पर डिस्कस हो जाएगा, ठीक है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह वगैरह इनको लेके लेंथोनाइड से पूछे जाते हैं, ठीक है सर। लेंथोनाइड क्या होता है बेटा, 4F को आपको पता होगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, 4F और 5F, 4F सीरीज 5F सीरीज ना, 4F वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लेंथोनाइड्स, और इनको हम लोग बोलते हैं एक्टिनोइड्स, ठीक है ना, ये सबको पता है लेंथोनाइड्स क्या है एक्टिनोइड्स क्या है। लेंथोनाइड्स वो थे इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाते हैं, 4F में जाते हैं, इनको फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ही बोलते हैं, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। बट अब 4F में अगर हम लोग साइज की बात करें, सबसे पहले साइज, तो साइज अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होता है बेटा, डिक्रीजेस रेगुलरली, साइज क्या होता है, रेगुलरली डिक्रीज करते हैं, और इस रेगुलर डिक्रीज इन साइज को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, सब लोग जानते हैं बेटा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसी को बोलते हैं हम लोग। यस सर।
साइड आपको ग्राफ दिख रहा है बेटा, साइज जो है वो क्या दिख रहा है, एक ऐसा लग रहा है स्ट्रेट लाइन नदियों नीचे की तरफ आ रहा है, बढ़ रहे हैं हम लोग लेफ्ट टू राइट, तो साइज क्या डिक्रीज करता जा रहा है। 57 से एटॉमिक नंबर कहाँ तक गए हम लोग, 71 तक, लेफ्ट टू राइट का डिक्रीज करता हुआ चला गया। फनमारे के नियर आयंस का या फिर वो भी है आयोनिक रेडियाई दिया हुआ है, तो साइज क्या होता है रेगुलरली डिक्रीज करता है। फनमारे के नियर मैं क्या बोला, क्लियर है, कोई दिक्कत इसको समझने में, ठीक है ना। चलो अब लैंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन के फायदे क्या क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या है लैंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन के, लैंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन के कॉन्सिक्वेंसेज में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, इसके क्या क्या फायदे हैं क्या क्या नुकसान है वो। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट का जो साइज होता है, हैव नियरली सेम साइज, ठीक है बेटा, पॉइंट क्लियर है सब लोगों को, मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला मैंने कि लैंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन की वजह से कौन सा बेटा 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट का, 5D सीरीज के एलिमेंट्स का साइज कैसा होता है, नियरली सेम होता है, यस सर नो सर ये बताओ, सबको क्लियर है ये बात, यस सर। दूसरा एक फायदा क्या होता है बेटा, इसके वजह से हम लोग एक और टर्म बता सकते हैं, दैट इज दूसरा टर्म होता है, हम लोग बता सकते हैं बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। जैसा लो डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज क्या होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, लेफ्ट टू राइट डाउन द ग्रुप कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, चलो लेफ्ट टू राइट जा रहे तो साइज क्या होगा बेटा, साइज डिक्रीज होगा ना, साइज के डिक्रीज होने के लिए यहाँ पर साइज इतना बड़ा होगा, यहाँ पर थोड़ा छोटा हो गया होगा, है ना। साइज के डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, देखो OS तो दोनों जगह पे सेम साइज का होगा, तो साइज के डिक्रीज होने की वजह से जो एलिमेंट और OH के बीच का बॉन्ड लेंथ होगा, EOH बॉन्ड लेंथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, ये भी डिक्रीज करेगा। अब एलिमेंट और OH के बीच का बॉन्ड लेंथ घट रहा है तो OH के निकलने का चांस बढ़ेगा कि घटेगा, कम होएगा। यहाँ से आप लोग OH को आसानी से निकाल सकते हो, पहले वाले से लास्ट वाले से, पहले वाले है ना, तो बेटा EH बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करता है, इसका मतलब क्या होगा, बेसिक नेचर डिक्रीज करेगा, तो पहला पॉइंट तो ये बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स लेफ्ट टू राइट जाने पे कैसे वेरी करते हैं उसको मैं एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। दूसरा 4D 5D सीरीज के एलिमेंट्स का साइज कैसा हो जाता है, नियरली सेम हो जाते हैं, उसको समझने में थोड़ा हेल्प करता है। ये दोनों पॉइंट क्लियर है सबको, यस सर नो सर, यस सर, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि ये हम लोगों को हेल्प करता है इन सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स, ठीक है ना। लैंथेनाइड्स को हम लोग अगर सेपरेट करना चाहे तो उनको थोड़ा सा सेपरेशन में क्या करता है बेटा, ये हेल्प करता है, ठीक है, तुम्हारे नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, यस बेटा। इसकी वजह से क्या होता है, इनके सॉलिबिलिटी, कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये सब कैसे होते हैं, साइज वेरी करने की वजह से अलग अलग होते हैं, तो इस वजह से इनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को थोड़ा सा हेल्प करेगा इन सेपरेशन, तीन पॉइंट अलग याद रखिएगा, लैंथेनाइड्स का सेपरेशन में हेल्प करते हैं, दूसरा हमें हाइड्रोक्साइड का बेसिक नेचर बताने में हेल्प करते हैं। तुमसे कोई भी दो एलिमेंट उठा के पूछ लें किसका बेसिक नेचर ज़्यादा किसका बेसिक नेचर, बता पाओगे ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ बेटा इनके मैग्नेटिक नेचर की, कौन सा नेचर बेटा, मैग्नेटिक नेचर, तो तुम बताओ कैसे होंगे मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक होंगे कि डायो मैग्नेटिक नेचर के होंगे, ये पैरा मैग्नेटिक, थोड़ा मोस्ट ऑफ देम आर पैरा मैग्नेटिक, दे आर जनरली पैरा मैग्नेटिक, दे आर जनरली जनरली कैसे होते हैं, पैरा मैग्नेटिक नेचर के होते हैं, पैरा मैग्नेटिक नेचर होने की वजह क्या है, बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। चलो
अब देखो सबसे मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, उसको नोट करके लिख लीजिएगा। वैसे मैं पीडीएफ आपको सेंड करूंगा आज, ठीक है। फिर भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको आयन दे देगा, कौन सा वाला आयन डाया मैग्नेटिक है, पैरा मैग्नेटिक तो सब है, कौन सा वाला आयन डाया मैग्नेटिक है, वो पूछते हैं एफ लॉग एलिमेंट का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वो कौन से आयन डाया मैग्नेटिक होते हैं, आपको कुछ आयन कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे, ब्लू कलर का कोई बॉक्स बना दिख रहा है, तीन आयन आपको दिख रहा होगा। Yes, कौन सा आयन है बेटा, एल ए जो है वो कौन से वाले में बेटा, प्लस थ्री, क्योंकि उसके कहीं पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपिट इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, डायमैग्नेटिक हो गया। वाई बी प्लस टू, एल यू प्लस थ्री, ये कैसे होते हैं, डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी अनपिट इलेक्ट्रॉन, बनवा रहे कि नहीं, इनके पास में कोई अनपिट इलेक्ट्रॉन नहीं होते है। बाकी सबके पास में आपको दिख रहा होगा अनपिट इलेक्ट्रॉन है, भाई एक्स जीरो होगा या एक्स फोर्टीन होगा तभी तो अनपिट इलेक्ट्रॉन ही होगा ना, बाकी बीच में तो रहेगा बना रहे कि नहीं आ रहा, एफ जीरो होगा तो अनपिट इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एफ फोर्टीन होगा तो अनपिट इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अनपिट इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा। तो ये तीन चीज आप याद रखिएगा, जहाँ पे इनके पास में कोई भी अनपिट इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, या डायमैग्नेटिक। दिस क्लियर, कौन कौन डायमैग्नेटिक है, चलो डायमैग्नेटिक जो कलर ये कौन से होंगे, कलरलेस भी होंगे, यही तीन तुम्हारे के लिए, यही तीन कैसे होंगे, कलरलेस भी होंगे, बाकी सब क्या करेंगे, कलर्ड आयन फॉर्मेशन करेंगे। नहीं आ रहा, तो मैं मैग्नेटिक नेचर और कलर का आपको समझ में आ गया। यस सर। अब मैं बात करूंगा इनके ऑक्सीडेशन नंबर की, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। थोड़ा इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस थ्री इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस थ्री कैसा होता है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, सब इसको प्लस थ्री को शो करते हैं, ठीक है बेटा। प्लस थ्री इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, सबको आपको दिख रहा है प्लस थ्री में कुछ है ना, बनना रहे कि नहीं आ रहा। इसके अलावा ये प्लस टू भी शो करते हैं और प्लस फोर भी शो करते हैं, और प्लस टू वाले तो एलिमेंट बहुत सारे हैं, प्लस फोर वाले गिने चुने एलिमेंट है, बनना रहे कि नहीं आ रहा, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं प्लस फोर ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपने क्वेश्चन देखा होगा कि आपसे चार ऑप्शन देके पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो प्लस फोर ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और पूछता भी है। तो प्लस थ्री इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके अलावा ये क्या करते हैं बेटा, प्लस टू भी शो करते हैं, प्लस टू एंड प्लस फोर इज ऑल्सो, ठीक है ना, ये भी क्या करते हैं बेटा, एडजस्ट प्लस थ्री प्लस फोर ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको देखेगा कि बहुत जगह पे मिल रहे हैं लोगों को, ठीक है ना। आप लोग इनको याद कर लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा बेटा, जो प्लस फोर ऑक्सीडेशन नंबर वाले हैं, क्योंकि गिने चुने एलिमेंट्स हैं, इसको मैं याद करने का तरीका तुम लोगों को बता रहा हूँ। डिप्टी से एनडीटीवी को तैयार हो गया, ठीक है, इससे आप याद कर लेगा कौन से एलिमेंट है जो प्लस फोर ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, ठीक है ना। डिप्टी मतलब डी वाई सी ई, एन डी टी में दो एलिमेंट है, और यहाँ से पी वाई, ठीक है ना, ये पांच एलिमेंट है जो प्लस फोर ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं है। तो प्लस फोर ऑक्सीडेशन नंबर कौन कौन शो करता है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है सर। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सी ई प्लस फोर इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, हाँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये कई बार जगह जगह पूछा गया है, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछ लिया गया होगा, ठीक है। और एनसीईआरटी ने पूछ, क्या बोलते हैं, बोर्ड एग्जाम नहीं पूछ लिया होगा 8-10 बार तो अब तक, नीट एग्जाम में भी पूछा है, आईआईटी में भी पूछा है, बहुत सारे अलग एग्जाम्स होते हैं उनमें भी पूछा गया है, बहुत बार ये कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं C प्लस फोर को ही नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों से बोले कि C प्लस फोर में देखिए, आपसे बोले कि Nd प्लस फोर होता है वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो अब लॉजिक क्या देंगे, वही कि इनका जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, प्लस थ्री, इट इज टेंडेंसी टू कम टू प्लस थ्री। तो इनका कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, प्लस थ्री है, तो ये क्या करेंगे, प्लस फोर से प्लस थ्री में आएगा, रिडक्शन होगा तो कैसे काम करेगा, इट इज लगता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। क्या सभी को ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो आपको मैग्नेटिक नेचर समझ में आ गया, सभी कैसे होंगे, जनरली पैरामैग्नेटिक फ्लड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री होता है,
साइज कैसे वेरी करता है, हाइड्रोक्साइड्स का बेसिक नेचर कैसे होता है, डायमैग्नेटिक कौन सा होगा, कलरवाइज कौन सा वाला होगा, और कौन से वाले प्लस थ्री के अलावा प्लस टू और प्लस फोर में भी प्लस फोर कौन कौन से करते हैं ना, ये चीजें आप याद रखिएगा। उसके अलावा इनके रिएक्शन से कुछ केमिकल, वो मैंने एनसीईआरटी का एक पिक्चर आप लोगों को डाला हुआ है और यही काफी है, इसके अलावा कुछ और पढ़ने का जरूरत नहीं है। और ये मैं क्या बताऊँ, आप लोग खुद से भी समझ सकते हैं कि इनका जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्लस थ्री है, है ना। अब प्लस थ्री में क्या होगा, प्लस थ्री ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो रिएक्शन कैसे करे आप लोग सब जानते हैं ना। यस सर, नो सर, भाई किसी के साथ में भी रिएक्शन होगा तो कैसे होगा आप जानते हैं, एलएन ओएच का होल थ्रेस बनेगा, एलएन एच थ्री बनेगा, एसिड के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं, है ना, ऑक्सीजन में जला सकते हैं, सल्फर से रिएक्शन करने पर सल्फाइड बना लेते हैं, समझा रहे कि नहीं आ रहा, नाइट्राइड भी बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉमन है जिनको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हाँ, इसके आगे मैं आपको बता दूं कि इनके यूज से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्हाट आर द यूजेस, ठीक है ना। ये तो पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपैरिजन विद लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का कंपैरिजन है, ये पूरा जो कहानी लिखा हुआ है एनसीईआरटी का मैंने उठा के रखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, सम एप्लीकेशंस ऑफ डी एंड एफ लोक एलिमेंट्स, और एप्लीकेशंस बेटा जरूर पढ़ लीजिएगा ये सारी बातें कि कौन कहाँ कैसे यूज होता है, जनरली कौन सा वाला कैसे कैटालिस्ट की तरह यूज होता है, समझा कि नहीं, हर चीज पढ़ लीजिएगा। जैसे दिया है आयरन स्टील्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, देयर प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी वगैरह वगैरह पूरी कहानी। ये पूरा पूरा का पूरा पैराग्राफ आप लोग एक एक लाइन इसका पढ़ लीजिएगा, इसका पूरे का, ठीक है ना, एक एक लाइन पढ़ लीजिएगा और सब तुम्हें आना चाहिए। कल में आप लोग पीवाई क्यू सॉल्व करके आइएगा, डी एंड एफ का और एस ब्लॉक का, दोनों का। कल मैं डी एंड एफ और एस ब्लॉक का पीवाई को डिस्कशन करूंगा, जो भी तुम लोगों को डाउट रहेंगे वो, और जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे वो वाले पार्ट, जहाँ तुम लोग और ज़्यादा फोकस कर सको इन चीज़ों पे, ठीक है सर। तो ये डिफिकल्ट नहीं है लेकिन पढ़ना पड़ेगा सर, इसमें जितने भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स होते हैं